नाज़रीन सिंध के बेन शहरों जी सावणी के बरसात जरवार में तबाही मचाए छी है। शहर के मुख्तलिफ इलाक रोड और रस्ता तलाव जो डेख डे रहा है। तफसील दिसूं था सिंगार गबोल की रिपोर्ट में। सारी सिंध जी जरवार में भी चौमासी रसकरण तबाही मचाई छी है। चौमासी रसकरण सबब इतना जो रोड रस्ता तलाव जो मंदिर पेश कर लगा है। उन हवाले से इतना जो कुछ शहरी मौजूद है, अचो तो उन्होंने गाल बोल कर चवण है। पूरे शहर में जो नालू भरी चुक ड्रेनेज सिस्टम तबाह थी चुको है। घर घटियन असने खेलने वे ग्राउंड इवन थोड़े स्कूल के ग्राउंड से पानी पी चुको है। इनको जो बायस यो है बीमार पकड़जन थी उन्हीं का बो यो तो इन्हीं बीमार का अगत हली कर असा या हेपेटाइटिस जो सी आसो ना घोटकी जिलो पूरी सिंध में बीमार जो गड़ गयो वो इो ही कारण है। खुदारा यूसी इंतजामिया के सोचन घुर्जे जी कुछ ही जरवार एडो वो ना ही थोड़ी जो समझा तो अक्सरियत बदल आ। अगर जोड़ी तवज्जो कंद अस तकलीफ दरपेश ना थे सामू चाकर माइनर आ जिते ही अगर ड्रेनेज सिस्टम सही वे तो अस इन कुदरती आफतन का अड़न मीह के बारिश का अस बीमार बची सूँ। बरसात जो सिलसिलो सी सिंध को सवा जरवार शहर में भी तबाही जो मंजर दिखारे उन्हीं हिसाब से ही रहमत वाली बरसात हाँ जहमत बन गई है। काफ़ी रोड रस्ता पानी सफा तमाम जाम है। कोई इंतजाम है यूसी सेक्रेटरी हो उन्हीं को मत एडमिनिस्ट्रेटर हो मीरपुर मातिलो डीसी साहब हो एसडीएम साहब मजिस्ट्रेट हो कोई भी इन लाइ तारुक वठण लाइ को भी तैयार को है। ऐसो ये कड़ी सूरत हाल है। पानी ये बीठो खड़ा भरिया बीठा सजो मुतासर थी वो घर मंज पानी आ असाजी को वायर मदद कई वही असाजी हालियत गंगा डाउन पानी एडो सारो बीठो अस पा परेशान थे वेटा ना नाल ना रस्तो आई रोजी मूल गाड़े वादा जहर लगा धंधो अस रोजी बंद ये कारण जो अडो है। पंज फुट पानी बीठो है। यूसी नाजिम और यूसी इंतजामिया के असा चूं मेहरबानी कर असो ये पानी कढ़ा अस गाड़ियों सामने पंज फुट पानी जरवार शहर में बीठो है। मेहरबानी कर कढ़ाए डीसी घोटकी मीरपुर माथेले के जे भी ऑफिसर आन अस उन्होंने अर्ज क्यों था ये पानी कढ़ाया वे असरीबन की मदद क्यों वे। कैमरा टीम से गाड़े सिंगार गबोल धरती टीवी न्यूज़ जरवार।